मुर्दाबाद 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 इससे कुछ कम नहीं होगा भाई यार। देखिए एसपी साहब, दो लोगों का चौराहे पे अगर झगड़ा होगा तो दोनों को लाके आप एक कैमरा बंद कर दो ना। हेमंत तिवारी को भी बंद कर दो, दरोगा को भी बंद कर दो, लेकिन आज बंद होगा तभी हटेंगे यहाँ से। तब तक थाना पलट देते हम पलटे, हमने थाने पलटे, हमने इंस्पेक्टर को दौड़ाया, हमने दौड़ाया हमने। मैं हेमेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी से जिले का मीडिया प्रभारी हूँ। आप थाने में धरना प्रदर्शन दे रहे, क्या मामला है? मैं आज ब्रज क्षेत्र कार्यालय से अपनी गाड़ी से आ रहा था, साकेत चौराहे से पहले मेरे मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने कहा भैया आपसे बात करनी है। मैंने अपनी गाड़ी रोड से नीचे खड़ी करके और मेरी खड़ी गाड़ी में मेरा मित्र आ गया, हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठ करके बात करने लगे। इतने में 14-15 साल का एक बच्चा आया, साइकिल से आ रहा था, वो आके खड़ी गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी से टकराया तो मेरे मित्र जो साथ में थे वो उतरे गाड़ी में से, उन्होंने कहा कि बेटा देख के चल, वो मुझे लगता है नाम तो नहीं पता लेकिन वो मुसलमान था, उसने कहा कि थोड़ा सा तेज में आ गया बच्चा, तो वो थोड़ा उससे बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, लेकिन वो बदतमीजी से बात करने लगा बच्चा। इतने में कृष्ण कुमार नाम के दरवाजे वहाँ आए, तो वो लड़का ज़्यादा तेज में बात करा, तो मैंने कहा बेटा हम ऐसे लोग नहीं हैं और मैं बीजेपी का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। तो दरोगा जी बोले कि तो बीजेपी का जिला मीडिया प्रभारी है तो क्या भखेड़ा खड़ा करेगा यहाँ, क्या कर रहा है, क्या ड्रामा कर रहा है तू? मैंने कहा दरोगा जी आप तमीज से बात कीजिए। इस बात पर ही सर मुझे मारने लगे और मुझे काफ़ी चौराहे पर काफ़ी देर मारपीट की मेरे साथ में, मेरे आँख पर चोट आई है, गर्दन पर भी, कान पर चोट आई है, यहाँ गर्दन पर भी आए। निश्चित अब हम लोग आए हैं, तहरीर दी है, कार्रवाई होगी और पूरा विषय अपने शीर्ष नेतृत्व को रख दिया है हमने। आपको लगता नहीं सत्ता होने के बाद भी आपके साथ में ऐसे किया जाता तो दूसरों के साथ में कैसे किया जाता? वो सब चीज़ मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है सारी बात। अब आप क्या करेंगे? जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हुआ वो मेरा होगा। आपको दरवाजे के साथ हाँ तहरीर दे रहे हैं दरवाजे। क्या नाम है दरवाजे? कृष्ण कुमार।